टाटा मोटर्स की जो हैरियर है उसके अंदर भी हमारा ईवी वर्जन हमें देखने को मिल जाएगा, बट इसका लुक जो है काफ़ी अट्रैक्टिव है भाई, अपनी जो नॉर्मल टाटा की शेडान आती है उनके मुकाबले। ये जो शियरे का जो लुक है वो काफ़ी हद तक अपनी जो डिफेंडर है उसको उसका छोटा लुक इसको आप देखने को बोल सकते हैं, फाइव सीटर में देखने को मिलेगी। अब बारी आती है दोस्तों, अब बारी आती है उनकी जो कि वेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों का आगे फ्यूचर है इसीलिए सब वेट कर रहे हैं। सो इलेक्ट्रॉन के लिए भाई टाटा मोटर्स की जो हैरियर है उसके अंदर भी हमारा ईवी वर्जन हमें देखने को मिल जाएगा, वो भी 2025 के अंदर। अभी के लिए हमारा ये जो है बस एक प्रोडक्शन मॉडल है जो इसके सामने खड़ा किया हुआ है, ये है कुछ अलॉय व्हील्स का, हमें कुछ इस प्रकार का देखने मिलेगा। बाकी जो हमारी बॉडी है पूरी हैरियर देखने मिलेगी, उसमें कुछ भी फर्क नहीं है, जाएगी। एंड उसी के साथ साथ हमें देखने को मिल जाएगा, इसका फ्रंट से दिखाते हैं, फ्रंट से इसका लुक कैसा दिया गया है। फ्रंट से जो इसका लुक हमें देखने को मिलेगा हैरियर ईवी का, वो कुछ हमें इस प्रकार का देखने को मिलेगा कि जो फ्रंट में है हमारी जो टाटा हैरियर उसके फ्रंट में हमें टाटा का लोगो मिलेगा। उसी के साथ साथ जो ग्रिल है वो पूरी क्लोज मिलेगी हमें, नीचे की जो ग्रिल है जो रेडिएटर वाली वो थोड़ी सी खुली मिलेगी। आगे हैरियर की बैजिंग, वहाँ एक प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिलेगा, उसी के जस्ट नीचे हमारे दो फोगलैम्प बोल सकते हो या फिर अपना LED सेटअप ही बोल सकते हो, वो एक ही चीज़ है ये दोनों। बाकी फोगलैम्प्स का नीचे कोई ऑप्शन हमें इसके अंदर नहीं देखने को मिल रहा। बाकी जो इसकी DRL है वो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है। उसी के साथ साथ टाटा मोटर्स जो 2025 के अंदर लॉन्च करने वाली है वो आने वाली है, जो टाटा की शियरा जो पहले आती थी ना वो अब इलेक्ट्रिक के अंदर हमें देखने को मिलेगी। बाकी लुक काफ़ी ज़बरदस्त है, कहीं ना कहीं जो हमारी डिफेंडर है ना उसकी छोटी अवतार इसको बोल सकते हो, क्योंकि डिफेंडर भी कहीं ना कहीं इसी लुक के अंदर हमें देखने को मिलती है। ये हमारी शियरा है, इसके फ्रंट में जो है टाटा की बैजिंग है, उसके नीचे पूरी ग्रिल्स वगैरह क्लोज है, DRLs हमें देखने को चलती हुई मिल रही है, अंदर की जो लाइट है वो भी बली हुई है। पूरा प्रोडक्शन मॉडल है, अलॉय व्हील का साइज इसका भी काफ़ी बड़ा है। फाइनल में देखेंगे कि हमारा कितना देखने में मिलेगा। बाकी जो इसके डोर हैंडल्स हैं वो भी हमारे पूरे जो है रेंज रोवर के जैसे ही दे दिए गए हैं। जो शियरे का जो लुक है वो काफ़ी हद तक अपनी जो डिफेंडर है उसको उसका छोटा लुक इसको आप देखने को बोल सकते हैं, फाइव सीटर में देखने को मिलेगी। अभी देखो ये भी भाई 2025 के आसपास हमें देखने को मिलेगी। अब इसका एक और मॉडल है जो है टाटा का, वो भी अभी आपको दिखाते हैं। ये है हमारी अपना जो है इलेक्ट्रिक का ही कंसेप्ट है, इलेक्ट्रिक कंसेप्ट में ही हमें ये जो है देखने मिलेगा। मतलब अलॉय व्हील्स जितने ये बड़े दिखाते हैं ना फाइनल मॉडल के अंदर, ये इतने अलॉय व्हील्स हमें देखने को नहीं मिलते। ये कहीं ना कहीं आप इसको सेडान बोल सकते हो, बट इसका लुक जो है काफ़ी अट्रैक्टिव है भाई, अपनी जो नॉर्मल टाटा की शेडान आती है उनके मुकाबले। लॉन्चिंग का पता नहीं इसका कब लॉन्च हो सकती है, बट जो हमारा ऑटो एक्सपो चला हुआ है उसके अंदर ये हाल फिलहाल दिखाई गई है। लुक काफ़ी अट्रैक्टिव है, अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन तो भाई इसका जो नो डाउट ज़बरदस्त दिया गया है यार। पीछे से अगर इसके टेल सेक्शन की बात करें तो टेल सेक्शन कुछ इस प्रकार का है, ये अपनी जो अपनी टाटा टिगोर आती है ना, टिगोर भी टियागो के मुकाबले ऐसी ही बनाती थी उन्होंने, बट थोड़ी सी डिग्गी आगे निकालती, तो इसलिए इसको हमने सेडान का लुक दे दिया है। इसमें भी सेम वही काम किया है, सेडान का लुक ही है। अगर इसके इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर को थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, कुछ इस प्रकार का हमें इसके अंदर इंटीरियर देखने को मिलेगा। बट सनरूफ भी है भाई इसके अंदर, ये देखो इसके अंदर सनरूफ भी हमें देखने को मिलेगी, बट वो कब देखने को मिलेगी, शायद 2025 तक टाटा अपने इन प्रोडक्शन मॉडल्स को शायद लॉन्च कर पाए कह तो रहे हैं। बाकी जो दो तीन मॉडल्स हैं जो टाटा ने दिखाए गए हैं ये इलेक्ट्रिक वर्जन है इसके, तो देखते हैं ये हमें कब देखने को मिलते हैं। तो भाई कैसे लगे आपको ये तीनों मॉडल्स भाई कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके जरूर बताना। ये हमारे ऑटो एक्सपो 2023 के अंदर दिखाए जाने वाले जो है वेरियंट्स हैं। सो चलो भाई अब चलते हैं अपनी नई दूसरी वीडियोस की तरफ। ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना, एंड अगर ये मॉडल 2025 में आ जाते हैं तो आपको कैसे लगते हैं, आने चाहिए या नहीं आने चाहिए, कैसी लुक लगेगी भाई बताना 2025 के अकॉर्डिंग।